सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की हमले को लेकर सीरिया की मीडिया ने बड़े नुकसान का दावा किया। दक्षिण लेबनन में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने बरसाए बम, हमले में हिजबुल्ला के 50 से ज्यादा लड़ाके ढेर। लेबनन से इसराइल की सीमा में जाने वाली अंडरग्राउंड टनल को आईडीएफ ने किया ध्वस्त, टनल की मदद से ही इसराइल में घुसते थे आतंकी। लेबनन के इसराइल पर जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले जारी, अब तक लेबनन ने इसराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसराइल ने नसरुल्लाह के बारिम हाशिम सैफी अल दीन को मार गिराने का दावा किया, हिजबुल्ला का मुखिया बनने वाला था सैफी अल दीन। लेबनन के लोगों को इसराइली पीएम नेतन्याहू का बड़ा संदेश, कहा हिजबुल्ला से अपने आप को मुक्त करवाए लेबनन। दक्षिण लेबनन में इसराइली सेना का अंडरग्राउंड ऑपरेशन तेज, कई किलोमीटर अंदर तक घुसी इसराइल की सेना, चुन चुन कर हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमले। इसराइल में मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, इसराइल में मौजूदा स्थिति को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप की अपील की। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक, कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया जश्न, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले पीएम की अगुवाई पर जनता ने भरोसा किया। हरियाणा में बंपर जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जाति का जहर फैलाने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव के लिए बाद पीएम ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हाई लेवल बैठक की, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल तेज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे, कहा कांग्रेस का झूठ उजागर हो चुका है। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कुमारी सैलजा ने पार्टी पर उठाए सवाल, कहा नतीजे निराशाजनक, नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हरियाणा में खराब प्रदर्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा जाट समाज को अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस के खाते में 6 और बीजेपी को 29 सीटें मिली। हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल तेज, उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी किए किसी भी सीएम फेस पर आज। WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के समाप्त करने के लिए सम्मानित किया, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने WHO का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात, दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक, सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर बैठक होगी, बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टरों के रेप मर्डर के विरोध में आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी, विरोध में 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। यूपी के हापुड़ में बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की भिवाड़ी में एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमेठी में मामूली विवाद में पूर्व प्रधान की पीट पीट कर हत्या, मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप। यूपी के आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने, साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाते से 93,000 रुपए निकाले। यूपी के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करते ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया गया, घुसपैठिए से पूछताछ में जुटी पुलिस। देहरादून पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान से इनामी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने अपनी जगह मुन्ना भाई को एसएससी की परीक्षा देने भेजा था। यूपी के सीतापुर में डांस करते समय यूट्यूबर की मौत, माता रानी के जागरण में डांस करते वक्त आया हार्ट अटैक। उत्तराखंड के हरिद्वार में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडों में, 7 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मोहगंज में मंदिर से चोरों ने सोने का मुकुट पार किया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के अमरोहा में सिंगाड़े चमकाने के लिए तेजाब छिड़कते एक दुकानदार को लोगों ने पकड़ा, आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमकर मारपीट, इमरान की पार्टी पीटीआई विधायकों के बीच चले लात घुसे, कई विधायकों के झड़पने कपड़े फटे। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, बीजेपी ने 48 सीटों के साथ ही हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक, कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया जश्न, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले पीएम की अगुवाई पर जनता ने भरोसा किया।